की सेवा में रख रही हूँ। चलो समझो। एक धनबाजी, कौन से धनबाजी? और आप लोगों से निवेदन है कि गीत को सुने, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और क्या फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं? कह रहे हैं फिल्मी दुनिया वाले। हाँ जल्दी बताओ कि दिल के आईने में तुझको बिठा लिया, जब से मैंने तुझको चावल किस प्रकार के हैं? समझो। सुने आप मेरी बात को? सुनिए। भगवान श्री राम और रावण का युद्ध हुआ। रावण जब घायल होकर के धरती पर गिर पड़ा तो भगवान श्री राम, लखनलाल, हनुमान जी और विभीषण, विभीषण चारों लोग सामने खड़े हैं। जब चारों को राम लक्ष्मण हनुमान जी विभीषण को देखा तो रावण कहने लगा, हे राम, मेरी एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी? सारा संसार तुमको भगवान कहता है और अगर तुम परमात्मा के अवतार हो तो तुम चाहते तो मुझे वैसे भी मार सकते थे, तुम चाहते तो मुझे वैसे भी मार सकते थे, लेकिन तुमने किया क्या? रावण कहने लगा, बाण 31 चलाने की जरूरत क्या थी? अगर आप भगवान हैं तो एक ही बाण में मेरा राम नाम सत्य कर सकते थे, और क्या 31 बाण चलाने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल। दूसरा सवाल लखनलाल ने पूछा, क्या? कहने लगे, जब सामने देखा कि लक्ष्मण जी भी खड़े हुए हैं तो रावण लखनलाल से कहने लगा, हे लखन, सुनो मेरी बात। सुनिए। कहा,
पुरी को विधवा बनाने की जरूरत क्या थी। गाना समझ लेना, मेघनाथ की पत्नी सुलोचना। अरे लक्ष्मण आप शेषा उतारी और सुलोचना तो आपकी पुत्री थी, और क्या? आपने मेघनाथ का वध करके अपनी पुत्री को ही विधवा बना दिया। ऐसा क्यों किया? तीसरा सवाल रावण ने हनुमान जी से पूछा। कैसे? रावण बोला, हे हनुमान, दान की चीज जलाने की जरूरत क्या थी। अरे ये लंका तो मुझे दान में मिली थी, और आपने दान की मिली हुई चीज में आग लगा दी, ऐसा करने की क्या जरूरत थी। चौथा सवाल उसने अपने भाई विभीषण से पूछा। कैसे? कहने लगा रावण, अरे भैया, सारा संसार जब राम को भगवान मानता है तो राम चाहते तो मुझे वैसे भी मार देते, लेकिन तुमको ये करने की क्या जरूरत थी। विभीषण बोले, क्या? तो रावण ने कहा, नाभि में अमृत बताने की जरूरत क्या थी। तुमने राम को ये क्यों बताया कि मेरी नाभि में अमृत का कुंड है? अब देखिए, चारों लोगों से सवाल कर दिया तो चारों लोग बारी बारी से रावण को जवाब क्या देते हैं। कैसे? सबसे पहले राम जी ने कहा, हे दशानन, तुम मुझसे कह रहे हो कि 31 बाण चलाने की क्या जरूरत थी, तो सुनो मेरी बात। सुनो, जनक की जाई, जनक की जाई, जानकी जो मेरी प्यारी थी। जनक की जाई, जानकी जो मेरी प्यारी थी। और सीता केवल मेरी पत्नी नहीं थी ना? ए रावण, अरे गौरी से सोचो, वो पुत्री भी तुम्हारी। सीता तुम्हारी पुत्री भी तो थी। तो ऐ रावण, अब तुम बताओ, अपनी बेटी को चुराने की जरूरत, अपनी बेटी को चुराने की जरूरत क्या थी। बेवजह बात बढ़ाना जरूर। दूसरा जवाब लक्ष्मण जी दे रहे हैं। कैसे? बोले रावण, तुम मुझसे कह रहे हो कि अपनी बेटी को विधवा क्यों बना दिया, तो सुनो मेरी बात। बोलो, सुनिए, हमारे यहाँ ससुर और दामाद का रिश्ता क्या होता है, ससुर दामाद के लिए क्या होता है और दामाद ससुर के लिए क्या होता है, क्या होता है? सुने आप, लखनलाल कहने लगे, मैं था ससुर, बोले मैं था ससुर, वो दामाद जी हमारे थे। मेघनाथ, मैं था ससुर, वो दामाद जी हमारे थे। लेकिन जब आमना सामना हुआ युद्ध के मैदान में, बताइए कहा कैसा। श्री रामलीला कुशवाहा बदनपुरा, आपकी तरफ से 50 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। क्या बात है, धन्यवाद है मेरी ओर से। लेकिन गाने को सुनिए, सुनिए। स्थल में दामाद के
की ससुर पे चलाने की जरूरत जाती है। शक्ति ससुर पे चलाने की जरूरत जाती है। बेवजह बात बढ़ाने जरूरत तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? जानते तुम थे कि मैं रुद्र का अवतारी हूँ, और अरे भवानी पूछ मैं और राम का पुजारी हूँ। मेरी पत्नी मेरी भवानी पूछ बन के मेरे साथ में थी, अब मेरी पूछ मेरी पत्नी बनी हुई थी, तो तुम लोगों ने क्या किया? पूछ में पत्नी को परेशान करेगा तो हम जलाएंगे नहीं लंका, बताइए। पूछ में आग लगाने की जरूरत क्या थी? बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत। निकाला था, समझो। तो इसलिए मार कर लात मुझे लंका से क्यों त्याग दिया? कहा विभीषण ने, ऐ भ्राता श्री, भाई पर लात जमाने की जरूरत क्या थी? वजह बात
बोलिए राम राजा सरकार की जय। ये मेरी ओर से एक गीत रहा और भैया बोल चांद तारों पे चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा ये ऐसी ही लाइन है। यदि मैं लिखता इस गाने को क्या लिखता आती है मेरे कई गाना बॉलीवुड में अवश्य कर रहे हैं अपनी लाइन अपनी लाइन कैसे भर कि रूप सागर से रूप सागर से चुरा लाए चेहरा तेरा ये रूप सागर से और देख कर चांद भी शर्माए ये चेहरा तेरा ये देख कर चांद भी शर्माए आपने विशेष बात बताई अपने गाने में क्या थी सवाल करते स्वरूप न और बेवजह नाक कटाने की जरूरत क्या थी नाक कटाने बर्थडे डाला ये
मैं कोशिश कर रहा हूँ आपसे मिला मिलाने की। और क्या से लाने की हुई महूर्त थी, क्योंकि यदि वो पान नहीं आता तो रावण नहीं आता। और वही 21वां बाण पर आगे की ये समझ ले, आपने कहा था वो बाण चलाने की जरूरत नहीं थी। बाण लंका से लाने की हुई महूर्त थी, लक्ष्मण ने मेघनाथ से कहा। दूसरी बात बदला तुझसे चुकाने की महूर्त थी, हनुमान जी ने रावण से कहा। हनुमान जी ने रावण से कहा कि बदला तुझसे चुकाने की महूर्त थी। हनुमान जी रावण से कहा तीसरी बात, लंका तेरी मिटाने की हुई महूर्त थी, क्योंकि पार्वती ने तुझे श्राप दिया। और विभीषण ने रावण से कहा अधर्म निशाने धर्म मिटाने की भरपूर महूर्त थी, अधर्म मिटाने की भूपर महूर्त थी। बहुत सारी लाइनें हैं, ये सवाल जवाब आप कर रहे थे कि मैं सवाल नहीं करूंगा, और आपने तो झड़ी लगा लिया सवाल। आपने ये कहा था कि मैं सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने एक चावल का दाना देख लिया पक गया कि नहीं आप पारखी नहीं है। चावल का दाना आपने अभी सही से कटोया ही नहीं। ना ना लीजिए, ब्रह्मा जी ने मुझे एक दिन पर लेकर लंका में तूने सुना डाला, ये जो बाण मिला वो लंका में चुना दिया गया, दीवाल में चुना दिया, जिसे हनुमान जी लेने गए लंका के, वो बाण ना होता तब तो मरता ही नहीं था। उस बाण से तेरी मृत्यु की महूर्त थी, उस बाण से तेरी मृत्यु की महूर्त थी। अधर्म भू पर नशाने की महूर्त थी, अधर्म भू पर निशाने की, कि उस बाण से तेरी मृत्यु की महूर्त थी। I'm a man.
आपके सवालों का जवाब यहां तक मिल चुका होगा। दूसरी बात, ये ढोलक की चाटी बढ़ा दीजिए आपने कर नजर तुमने पुत्री पर क्यों डाली है नजर तूने पुत्री पर बुरी क्यों डाली है ये शेषनाग ने अपने पुत्री पर एक ने अपनी पुत्री पर ही बुरी नजर डाल दी शेष बन करके लखन आए तेरी मौत काली है ये पाप का बदला अब चुकाने की मुहूर्त थी ये पाप का वो बदला था वो चुकाने की मुहूर्त अब आ गई है इसलिए पुत्री को विधवा करना पड़ा ये लगा ने कहा